नमस्कार। हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरर क्लब के सभी मेंबर लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैम, मैं एक बैक स्टेज में जाता हूँ। अब स्टेज पूरा जी आपके लिए है और जी आप अपना ये सारा चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बिमला जी को छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। आपका कोई भी सवाल हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो हमारा फेसबुक जब लास्ट स्टेज में जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, हम बिमला जी से वो सारे सवाल को पूछेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरर क्लब के सभी मेंबर्स लोगों को मेरा नमस्कार। मैं साथ ही साथ कहूंगी कि 50 साल जो आप लोगों ने पूरा किया उसके लिए बधाइयां और शुभकामनाएं। 50 साल जिंदगी का एक बहुत लंबा समय होता है। एक ही सोच को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात रहती है। दूसरी बात, कोरोना के इस समय में सभी लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जो सेफ्टी के साथ रहेगा वो आगे बढ़ेगा। हम लोग माउंटेनियर लोग हैं, पर मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को तो निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी के ऐसे पहलुओं को हम लेते हैं, ऐसे जगह हम लोग जाते हैं जहाँ जिंदगी और मौत को हम बहुत नजदीक से देखते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को आस पड़ोस, अपने गाँव, अपना लोगों को हौसला बढ़ाना है और कोई डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि समय धीरे धीरे आगे जो बढ़ रहा है। अभी तक तो लोग मस्ती मार रहे थे, घर में बड़ा अच्छा लग रहा है, खाना पका रहे हैं, अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 अब लोग घर में उगने लगे। तो हम माउंटेनियर लोगों पे, हम माउंटेनियर पर परिवार का ये जिम्मेवारी बनती है कि उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाना है। अब मैं अपने वेबिनार का जो ये मेरा टॉपिक है उसके ऊपर आती हूँ। मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में करीब मुझे 30 सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। एवरेस्ट मैंने सबमिट नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगी कि जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरे लिए एवरेस्ट से बहुत बड़ा था। पीक छोटा है, पर मैं ये मानती हूँ कि माउंटेन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। सिचुएशन, समय, मौसम, ये सब उस पीक को बड़ा छोटा कर देता है, ऐसा मैं मानती हूँ। जब इस एक्सपीडिशन भागीरथी 2 एक्सपीडिशन के लिए मुझे दिल्ली से IMF की तरफ से फोन आया, कहा कि आपको लीड करना है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अगर कोई और पीक दे देते तो अच्छा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी थी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप पीक चेंज कर सकते क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। तब मैंने ये सोचा कि देखो, अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिलती है, और मैं हमेशा हर बात पे जहां पे भी टॉक के लिए जाती हूँ ये सब लोगों से यही कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उसको ले लेना चाहिए। परिस्थितियां तो बहुत मुश्किल रहती हैं, अपने आप को संभालना, अपना परिवार संभालना। मैं तो एक हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चे भी हैं, मेरे इन-लॉज भी हैं, लेकिन ऐसे समय जब मुझे आता है, जब ऐसे चांस मुझे मिलता है, तो मैं उसको खोना नहीं चाहती। और यही मैंने सोचा कि मैं नहीं तो कोई और जाएगा, एक्सपीडिशन तो होने का होगा ही, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा मैं जाऊंगी। ये एक्सपीडिशन भागीरथी 2 बहुत हाइट में 21,365 फीट है इसकी हाइट जो है, गढ़वाल हिमालय में है। और जाने से पहले बहुत सारी बातें दिमाग में थी कि मैं हमेशा इस बात के लिए सोचती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे माउंटेनियर हैं। एवरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एवरेस्ट समिट कर सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लोअर बैकग्राउंड से वो रहती हैं, तो पैसा नहीं उनके पास में, कहाँ जाना ये नहीं मालूम रहता है। तो मैं हमेशा जब भी एक्सपीडिशन लीड करती हूँ, IMF की एक्सपीडिशन, 4 एक्सपीडिशन मैंने अभी तक IMF के लीड किए हैं, तो हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखती हूँ कि मैं ऐसे लड़कियों को चांस दूँ जो लड़कियां सब कुछ, जिनके अंदर विल पावर है, जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जो कर सकती है, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता, उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे ही मैंने ढूंढा, मैंने 12 स्टेट से 12 लड़कियों का सिलेक्शन किया और 2013 में ये एक्सपीडिशन हुआ था। बहुत खास, बहुत मायने मेरे लिए ये एक्सपीडिशन इसलिए रखता है, हम लोग पीक के ऊपर झंडा गाड़ के नहीं आए थे, हमने कोई झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन मैं कहूंगी कि झंडा गाड़ने से भी बहुत बड़ा काम हम लोगों ने उसमें किया, क्योंकि जो उस टाइम डिजास्टर, केदारनाथ की जो घटना डिजास्टर हुआ था, उसके वजह से हम लोगों ने बहुत लोगों को, जान तो नहीं बचाई कहूंगी, लेकिन सेफ किया उन लोगों को, उन लोगों को समझा के अपने साथ नीचे उतरने के लिए उनको मोटिवेट किया। और बहुत सारे रास्ते में अपना टीम को, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि जो मेरी 12 लोगों की टीम थी, 12 लड़कियां थी, उसमें एक डॉक्टर, 13, और 4 हमारे साथ है किचन स्टाफ, 2 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर और 2 किचन स्टाफ, तो हमारा 17 लोगों का एक परिवार था। उस परिवार को संभाल के लेके आना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सक्सेस, कभी कभी आपका एम कुछ रहता है, लेकिन जब आप नजदीक पहुंच जाते हैं तो एम ही बदल जाता है, और हमारा एम भी वही हुआ। सबसे पहले तो झंडा गाड़ना था, लेकिन जब बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे तब ये था कि अब जिंदगी कैसे बचाई जाए। और वही कहानी में, वही हकीकत, वही जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, वो मैं आपको इसके ऊपर अभी पूरा शो, स्लाइड शो के माध्यम से बताऊंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन सभी लोग बाद में पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं पूरा समय आपके साथ में रहूंगी।
तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो जब हम लोगों को ये घटना घटी तो उस टाइम एक केदारनाथ की घटना तो बहुत बड़ी घटना घट गई थी। उस घटने के बाद में आज भी अगर केदारनाथ के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीवी में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हम लोगों ने देखी कि आज भी डर लगता है वो सब सोच के। तो ये सब जब हुआ तो काफी न्यूज चैनल वालों ने उसको कवरेज दिया, और उसी में से कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं और वो आपको दिखाऊंगी, तो आपको शायद में शुरू में ही थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ थे और कैसे उस परिस्थितियों से हम लोग बाहर निकले। ये मेरी पूरी टीम है, इस टीम में मेरे मेंबर पूरे नहीं है क्योंकि कुछ मेंबरों ने उत्तरकाशी में ज्वाइन किया था, तो इसमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग लड़कियों को, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 12 स्टेट से 12 लड़कियों का सिलेक्शन किया था, और इसमें एक लड़की का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी कि उसको मैंने किस बेस पे लिया। इसमें ये जो लड़की है ये हिमाचल की है, हिमाचल की लड़की बहुत गरीब परिवार से है। उसको जब मैंने बोला तुम मेरे साथ आओगी तो उसने सबसे पहले कहा कि मैडम आप पैसा कितना देंगे, तो उसको समझाया पैसा तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को मैं आगे मिलती रहेंगी, वो सब बातें उससे होती रही। तो ऐसे करके IMF से हम लोग निकले, जून 1 जून को निकले। जब उत्तरकाशी पहुंची तो मिस बचिंद्री पाल, जो की पहली महिला है हमारे इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, यदि आपके किसी आपके फील्ड का कोई महारथी मिलता है तो आपका हौसला बढ़ता है। तो मैं लकी रही कि वहां पे दीदी मिली, और उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। आगे चलने के बाद हम लोग उत्तरकाशी पहुंचे, सॉरी गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री पहुंचने के बाद सुंदरानंद जी का बहुत सुंदर आश्रम, मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ। गंगोत्री में भागीरथी नदी के तट पर सुंदर गंगोत्री का मंदिर, उसके किनारे पे हम लोगों ने पूजा किया। पूजा अर्चना के बाद एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ जिंदगी और मौत को बहुत नजदीक से दिखते हैं। परेशानियां आएंगी, हम एडवेंचर वाले हैं, एडवेंचर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे ये हमको मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ हमने पूजा करके आगे। ये मेरी पूरी टीम है, इसमें जो ये लड़की है ये साइंटिस्ट थी। हम इस साइकिक साइंटिस्ट को केवल इसलिए भेजा गया था कि उसको वहां से ग्लेशियर की रीडिंग करना था। बहुत आगे जाके एक सुदर्शन पीक, वहां ऐसे पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं। 5 किलोमीटर जाने के बाद चेक पोस्ट है जहाँ पे कि फॉरेस्ट वाले चेक करते हैं, उसमें बाहर के कंट्री के लोग भी नहीं बल्कि हमारे देश के लोगों को भी वो उनके सारे कागज वगैरह चेक किया जाता है। बहुत सुंदर एक मेरी लड़कियों ने लिखा हुआ था, जन जन में गूंजे यह नारा, प्रदूषण मुक्त हो प्रदेश हमारा। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है माउंटेनियर लोगों को कि आपको अपना जगह कैसे साफ रखना है। हर दिन एक माउंटेनियर हर दिन नया जगह अपना घर बसाते हैं। गंगोत्री से निकलने के बाद 9 किलोमीटर में चिड़वासा की जगह है जहाँ पर हम लोगों ने पहला टेंट लगाया था, पहला कैंप हमारा था। आगे जैसे जैसे हम लोग निकले उसके बाद
आगे जाने के बाद मेरे साथ जो साइंटिस्ट थी वो बहुत वीक थी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक चार दीवारी के अंदर रह के एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने जब जाते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाता है। तो ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है जहाँ आपका प्रैक्टिकल होना होगा, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। मेरे साथ इस साइंटिस्ट को तो भेज तो दिया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये साइंटिस्ट चल पाएगी नहीं चल पाएगी। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े तो मुझे समझ में आ रहा था कि या तो मेरा एक्सपीडिशन मुझे फेल हो जाएगा मैडम की वजह से, नहीं तो मुझे इस मैडम को वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के बाद हम लोग वहां से निकले, लेकिन ग्रुप बहुत अच्छा था, ग्रुप अच्छा था मेरा, और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को मदद करते हुए हम आगे निकल रहे थे। आगे धीरे धीरे निकले। आगे निकलने के बाद हमारे साथ जो हैप थे बहुत अच्छे में हैप थे जो हमारे साथ। हम आगे निकलने के बाद ये आगे चिड़वासा से आगे भुजवासा का रास्ता है, पूरे लैंडस्लाइड एरिया है। आगे जाके कुछ लोग आगे रहते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, और जो बीच में चलने वालों को आवाज दे के वॉच आउट करते रहते हैं। तो वॉच आउट करने के बाद लोग सतर्क हो जाते हैं। ये एरिया अभी कभी भी आप जाएंगे तो ये जगह ऐसे ही है, हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं और ऊपर भरड़ माउंटेन बूट चलते रहते हैं, तो स्नोफॉल वो सॉरी स्टोन फॉलिंग होता रहता है। आगे निकलने के बाद हम लोग पहुंचे अभी भुजवासा, बहुत सुंदर जगह। भुजवासा पहुंचने के बाद यहाँ पे लाल बाबा का आश्रम है, पुलिस वालों का चौकी है, रुड़की वाले कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। भुजवासा आने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि इतिहास 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 को आप बदल नहीं सकते। इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भोजपत्र का कभी जंगल हुआ करते थे, लेकिन हमारे जैसे लाखों हजारों लोग जो ट्रैकर्स जाते हैं, या फिर ट्रैकर्स तो नहीं कहूंगी क्योंकि ट्रैकर के अंदर एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक हमेशा सिखाया जाता है कि एरिया कैसे साफ रखना है, पर जो बाकी लोग जाते हैं इतना गंदा कर देते थे। आज आप जाएंगे तो आज आपको भोजपत्र के जंगल तो नहीं मिलेंगे, छोटी मोटी झाड़ियां जरूर मिल जाएंगी। तो वो सब यह देख के बड़ा दुख होता है। यहाँ जाने के बाद हमारी लड़कियों ने उस एरिया को पूरा साफ किया। कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि उन लड़कियों को कि एरिया साफ करो, लेकिन उन लड़कियों ने एरिया साफ किया, वहां के कचरे को जलाया, वहां का जो टिन के बड़े बड़े डब्बे थे उनको छोटे फूट 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 के छोटा साइज बनाकर किसी गड्ढे में उसको डाला। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरी साइंटिस्ट लड़की को वापस भेजना ही पड़ेगा, और पहली लड़की मेरी बीमार हो गई थी। तो इन दोनों को हम लोगों ने वापस गंगोत्री भेज दिया था, और पहली लड़की को कहा था आप ठीक होके वापस आना, साइंटिस्ट को कहा था आप प्लीज वापस चले जाना। तो वापस करने के बाद ये सब मेरी टीम, अब जब एक परिवार रहता है और उससे जब कोई अलग होते हैं तो बड़ा दुख होता है। 117 लोगों का परिवार जिसमें से दो लोग वापस जा रहे थे, वो यहाँ से ये लोग वापस गंगोत्री गए और हम लोग यहाँ से आगे के लिए निकले। रास्ता मुश्किल भरा, आजू बाजू में बहुत सुंदर व्यू तो बहुत ही सुंदर है। मैं सोचती हूँ कि इसलिए माउंटेनियर लोग बार बार माउंटेन में जाते होंगे कि वो जगह उनको बुलाती है, और उस जगह पे जो प्योर एरिया एयर है या फिर वो सुंदरता है उसको उसी के कारण हम लोग बार बार शहर में उस जगह पे जाने का मन करता है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे निकले। आगे निकले तो गौमुख, गौमुख में भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थान है वो आगे चल के ये अलकनंदा के पास, उससे जब आगे निकलती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है, और आप लोगों को तो मालूम है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी पहुंचती है वहां तक। गौमुख पीछे हमारे भागीरथी पी एक बिल्कुल जैसा लगता है कि गौमुख के ऊपर एक मुकुट लगा दिया हो। भागीरथी टू हाइट के हिसाब से तीन पीक है, भागीरथी टू वन थ्री, 1 2 3 ऐसे तीन पीक है। और ये पीक मैंने कहा कि मैंने पहले भी इस पीक को सबमिट कर चुकी थी, लेकिन इस बार तब मैं एज ए मेंबर गई थी और इस बार मैं एज ए लीडर जा रही थी। आगे चलने के बाद धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़े, आगे ग्लेशियर पूरा माँ पूरा गंगोत्री ग्लेशियर जो सबसे सामने में दिखता है शिवलिंग, कहते हैं कि दुनिया के सुंदर पहाड़ों में शिवलिंग का नाम आता है, और ये चारों तरफ से एक शिवलिंग के आकार का इसलिए नाम भी उसका शिवलिंग। ऐसे पहाड़ों में अलग अलग नामों से पीक आपको मिल जाएंगे, भागीरथी 1 2 3, गंगोत्री 1 2 3, बहुत भगवानों के नाम पे भी आपको बहुत सारे पीक मिल जाएंगे। रास्ता मुश्किल भरा, नीचे ग्लेशियर में पूरे क्रैक पड़े हुए, क्रेवासिस पड़े हुए हैं, और जब ये हिडन हो जाता है तब बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे एक बहुत सुंदर पहाड़ आपको दिख रहा है, बहुत टेक्निकली बहुत ही टफ पीक है खर्च खर्चकुंड, और ये खर्चकुंड पीक के लिए फॉरनर लोग बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके बाजू में ही अगर आप देखेंगे तो केदार डोम पीक जो बिल्कुल डोम जैसा दिखता है, और कहते हैं कि केदार डोम के पीछे साइड में ही केदारनाथ है। रास्ता मुश्किल भरा, एक दूसरे को सपोर्ट करना मुश्किल तब होता है जहां पे स्नो हो, इसमें आइस हो और मिट्टी हो, पत्थर, वहां पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा सा पॉन्ड ग्लेशियर के अंदर, कहते हैं इसका आप गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कहते
कहते हैं कि केदारनाथ के मंदिर के पीछे ऐसा ही पॉन्ड बना और जो फूटा उसके बाद जो भाई हम लोगों ने टीवी में देखा, आगे चलने के ऊपर पर एक पत्थर के ऊपर पत्ता, दूसरा तीसरा, ये हमको एक डायरेक्शन दिखाता है और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे फूल आपकी नजरिया कैसा है वो दिखाता है, एक छोटे छोटे फूल जहां उनको देखते हैं तो खुशी का एहसास होता है। माउंटेन में दोपहर के बाद आपको क्लाइंबिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह गर्मी से वहां के जो छोटे छोटे नाले हैं, जो छोटी बर्फ है वो पिघल जाती है और वो नाला एक बड़ा रूप ले लेता है और उसको आपको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिवलिंग का बहुत सुंदर पीक जो आपको सामने दिखाई देता है। यहाँ पहुंचने के बाद जैसे जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, नंदनवन में पहुंची, नंदनवन हमारा बेस था। यहाँ पहुंचने के बाद हमने देखा कि ऑलरेडी दो टीमें पहुंची थी जिसमें एक एक छोटा, आप याद रखिए ये टेंट को जरा याद रखिएगा क्योंकि लास्ट में इस टेंट के बारे में बताऊंगी। हम लोग हमारे साथ 30 पोर्टर थे और बाकी हमारे मेंबर्स। बहुत माउंटेनियरिंग एक ऐसा गेम है जिसमें किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स के साथ हम इसकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरे स्पोर्ट्स में तो आप बल्ला घुमा देते हैं, रैकेट घुमा देते हैं और बस उठ करके आपका परफॉर्मेंस दिखा के आ जाते हैं, आपको शाबाशी देने वाले भी वहां पे लोग रहते हैं। लेकिन हमारा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें टीम वर्क है, टीम में रह के हम काम करते हैं, ना कोई पीठ थपथपाने वाला है, ना कोई मैनेजर हमारे साथ में है, खाना क्या खाना है, रहना कैसा है, कहाँ पे टेंट लगेगा, हम खुद क्लाइंबर लोग ही उसको डिसाइड करते हैं। बाकी अदर एक्टिविटीज में अगर अदर स्पोर्ट्स में देखेंगे तो केवल स्पोर्ट्स पर्सन फील्ड में अपना हुनर दिखाता है बस, बाकी उसको चिंता नहीं रहती। ये पूरा एक लिया था, यहाँ पे एक अमेरिकन टीम थी, एक ये लोग जो रेड टेंट दिख रहे हैं ये इंडियन लोगों की थी, ये समेट करके वापस आ रहे थे और ये ग्रे कलर जो अमेरिकन लोगों की टीम थी और अमेरिकन लोगों में केवल एक ही लोग आया था सोलो क्लाइंबिंग करने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, सोलो में ना कोई किचन स्टाफ होता है ना पोर्टर, लेकिन उनके साथ पोर्टर भी था, किचन स्टाफ तो तीन लोग थे, तो मुझे समझ में नहीं आया वो कैसे सोलो कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ है सारा इक्विपमेंट का डिस्प्ले दोबारा से करना, IMF ने सारे इक्विपमेंट हमने खोला, वहाँ टेस्ट किया, वहाँ चेक किया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी फिर उसको चेक करना, एक एक चीज देखना। माउंटेनियरिंग में अगर एक चीज भी आपका छूट गया तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माउंटेनियरिंग प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए। यदि आपका प्लानिंग परफेक्ट नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो वो परफेक्ट होना आपको दिल्ली में रह के पता चाहिए कि आप 25वां दिन आप IMF वो माउंटेन में क्या खाएंगे और किस अल्टीट्यूड में रहेंगे, तो ये इतनी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। इक्विपमेंट का चेक करना, यहाँ पहुंच के अभी हम कैंप ABC में पहुंच गया, एडवांस बेस कैंप में कैंप हमारा लगा, कैंप 1 भी कोई कहते हैं तो ABC, वहां जाने के बाद खाने का स्टाइल बदल जाता है क्योंकि उस अल्टीट्यूड में खाना पकता नहीं है तो इसलिए खाने का स्टाइल बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि मेंबर्स लोग जी जान से काम करते हैं, क्लाइंबिंग भी करते हैं, किचन हेल्प भी करते हैं, इक्विपमेंट भी देखते हैं, लोड फेरी भी करते हैं, टेंट भी लगाते हैं, सारा काम हमारे मेंबर्स लोग करते हैं। तो ये सब होने के बाद लकी हूँ मैं इस मामले में कि मेरे जब भी मैं एक्सपीडिशन लीड किया मैंने आज तक मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और जो बिल्कुल एक टीम के साथ में रह के काम किया इन लोगों ने। जब मेरी टीम एडवांस टीम की लड़कियां आगे निकल रही थी तो हमने एक बहुत बड़ी पूजा वहां पे की, भगवान को किसी ना किसी रूप में उस शक्ति को याद किया किया हम लोगों ने कि जो सेफ्टी के साथ हमको हर कदम कदम पे हमको एक साहस दे, हिम्मत दे, आगे बढ़ने की एक शक्ति। 10 जून को सूरज में ऐसा रिंग जैसा दिखा, पता नहीं क्यों दिखा, कि उसका रीजन क्या था, तो इस फोटो को बहुत ज्यादा टीवी में दिखाएगा। माउंटेन भरड़, लोकल भाषा में इसको भरड़ कहते हैं, माउंटेन गोट कहा जाता है, बड़े शाही होते हैं जानवर। शाम का समय हमारा एक एंटरटेनमेंट का साधन होता समय होता था, 6 बजे हमारी रात हो जाती है, टेंट के अंदर घुस जाते थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था कि हम अलग अलग स्टेट से लड़कियां होने की वजह से हम कल्चरल एक्सचेंज करते थे और वो समय हमारा बहुत अच्छे से बीतता था। मेरी एडवांस टीम की लड़कियां आगे निकल गई और बड़े उनको शुभकामनाएं देते हुए हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये लोग सामान अपना लेके गए, जाने के बाद हमारा ये डिसाइड था कि हम लोग 16 जून को केदारनाथ की घटना घट गई, 16 जून को हमारा समिट डेट था। हम लोग वैसे अगर दिल्ली से जो प्लान किया था बिल्कुल हम उसी हिसाब से चल रहे थे, बल्कि हम एक दिन एडवांस चल रहे थे। अगर इस दिन हमको एक दिन टाइम मिल जाता तो हम लोग 15 को ही सबमिट कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो अमेरिकन टीम थी उनके वजह से हमारा एक दिन यहाँ पे खराब हुआ क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ चले और हमारे जब वो सर सोलो आए तो उनको सोलो जाना चाहिए, ऐसा हमारा सोच थे। हमारे पोर्टर लोग हमारे हैप जो थे उनकी सोच थी, हमारी सोच थी। आगे निकलने के बाद रास्ता तो मुश्किल भरा, सभी माउंटेनियरिंग फील्ड के लोगों के मालूम है कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही उस फील्ड का, तो ऑब्स्टिकल्स के बिना तो माउंटेनियरिंग होगा नहीं। आगे आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे हमारी दो टीमें थी। अच्छा, इसके बीच में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग बेस कैंप में थे
बेसकैंप में रहने पे हम लोगों की, मैंने एक जो मेरी पहली लड़की थी उसको मैंने कहा था आप वापस आ जाइए, तबीयत खराब है, 2-3 दिन गंगोत्री में रेस्ट कर लो और वापस आ जाइए। लेकिन जब वो वापस आई तो मैं, हम लोग बेस में थे, क्योंकि हम लोग बेस पहुंचने के बाद 4-5 दिन हम लोगों ने वहां पे अपना सामान खोलना, सब पैकिंग करना, दोबारा से रिपैकिंग करना, वो काम किया। तो मेरा एक पोर्टर को आते हुए हमने देखा, तो पोर्टर आया आगे आगे से, तो बोलता मैडम आपकी दो दो मेंबर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा दो तो आ नहीं सकते, क्योंकि एक को हमने बोला था, तो बोले नहीं दो आ रहे। तो मुझे समझ में नहीं आया है कि मैं दो मेंबर कैसे आ सकते हैं। तो बाद में देखा तो जो साइंटिस्ट थी वो भी वापस आ गए थे। गुस्सा तो बहुत आया था कि क्या किया जाए, इतना बड़ा एक्सपीडिशन फेल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लड़कियों को चांस बहुत कम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। उसके ऊपर हम, एक तो लड़की होने के कारण, दूसरा हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से, हम लोग फील्ड में, माउंटेनिंग फील्ड में है कि हमारा पास पैसा देते हम लोग जा नहीं सकते। तीसरी चीज, घर वाले कहते हैं अभी क्या करोगे, माउंटेनिंग करके शादी करा दो, हाथ पैर तोड़ के आएंगे तो शादी भी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है, या हम लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मेरे को इतना खराब लग रहा था कि लड़कियों को बड़ी मुश्किल से चांस मिला, उसके ऊपर साइंटिस्ट की वजह से अगर एक्सपीडिशन फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन उस सिचुएशन में एक चीज मुझे समझ में आया कि अगर मैं अभी वो आने के बाद उसको डांट देती हूँ तो उसमें उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सोच के आई है कि मैडम डांटेगी और क्या करेगी, क्योंकि मैं उसको वापस नहीं भेज सकती। मैं नंदनवन से कैसे उसको वापस भेजती, किस उससे वापस भेजती, वापस भेजती तो मुझे कौन बताता कि उससे गंगोत्री पहुंची या नहीं पहुंची। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने यही सोचा है कि ठीक है मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी कि उसके डांट की वजह से बाकी बच्चों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। मैं उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला, और आ गई ठीक है, हेलो हाय, बैठो खाओ पियो रहो, जैसे रहना आप रहो, क्या करेंगे आगे, हम कुछ ज्यादा उसमें सोचना नहीं, आगे काम करो, आगे बढ़ो। आगे निकलने के बाद उसको भी यहाँ तक लेके आए, एबीसी कैंप कौन तक उसको लेके आए। अब हम लोग आगे आगे जैसे जा रहे थे, 14 तारीख को हमारी ए टीम में ये सारे बच्चे हमारे आगे निकल गए थे, 15 तारीख को हम लोग ऊपर के कैंप में पहुंचे। और ये तो इस टेंट को भी आप थोड़ा सा देखिएगा, आगे जब बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हुआ तब आपको समझ में आएगा कि टेंट की हालत कैसे हो गई थी। आगे चलने के बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, आगे मेरी टीम ए टीम तो पहुंच गई थी कैंप 2 में, और कैंप 2 में पहुंचने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे, हमारी टीम सभी ग्रुप जो मेरे साथ में थे, हम जाने वाले थे, ये कैंप 2 का है। जाने के बाद बच्चे अपना टेंट लगाए, थोड़ा बीट किया, उसको प्लेटफॉर्म बनाया, आइस ढूंढने गए, पानी बनाया, पानी बनाने के बाद वो लोग बिल्कुल फिट थे। मैं कहती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक होता, मौसम सब साथ में देता, तो मेरे सारे के सारे बच्चे क्लाइंब कर जाते भागीरथी। तो यहाँ होने के बाद 15 तारीख को ये लोग समिट कैंप के लिए निकले, और मैं बी ग्रुप को लेके हम लोग कैंप 2 में आए। अभी ये ग्रुप मेरे साथ में था, ये लड़कियां मेरे साथ में थी, और हम लोग यहाँ पहुंचे। और नीचे एबीसी में मैंने रखा था अपने डॉक्टर और उसके साथ, सॉरी हेल्प, ये साइंटिस्ट और उसके साथ एक हेल्पर को रखा था। तो ये दो लोग वहां पे थे, और बाजू में वैसे अमेरिकन लोग भी थे, तो 3 लोग वो लोग थे। हम जैसे ही इस अल्टीट्यूड में पहुंचे, वैसे ही ठीक 2-3 बजे से स्नोफॉल शुरू हुआ। 15 तारीख को शाम को 2-3 बजे से जो शुरू हुआ, वो 15 तारीख को स्नोफॉल चला 16-17 के रात को 7 बजे तक स्नोफॉल हुआ। 16 तारीख को मेरे बच्चों ने पहले, क्योंकि मेरी समिट हो जाती, और हमको 16 तारीख को एडवांस कैम समिट कैम्प में पहुंचना था, ये लोग वापस आते और हम लोग 16 को पहुंच के हम लोग 17 को समिट करने वाले थे। लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि समझ में नहीं आया, ये हमारे खाने का स्टाइल, जैसे जैसे ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं खाने का स्टाइल बदल जाता है। गैस हमारा देख सकते हैं कि गैस जिसमें लगते, छोटे से बुटेन गैस में हमारा खाना बनता है, और राशन हमारे पास भरपूर था, सब चीज बहुत अच्छे से हम लोग प्लान करके गए हुए थे। और यहाँ होने के बाद जैसे जैसे ये लोग समिट कैंप में पहुंचे, और बहुत ऊपर से नीचे सब देख सकते हैं, पर उस अल्टीट्यूड में हल्ला नहीं करना रहता है, हल्ला करेंगे तो अवलांच आ जाता है, इसलिए देख रहे हैं कोई बाहर निकल रहा, कोई टेंट साफ कर रहा, हम नीचे वाले उसमें थे। पूरा स्नोफॉल से हमारा जो बाहर रखे हुए सारा सामान ढक गया, इतना ज्यादा स्नोफॉल हो गया था। स्नोफॉल जैसे जैसे स्नोफॉल बढ़ता जा रहा था, और हमारे समिट वाली लड़कियां ऊपर में थी, समिट कैंप में थी। यहाँ होने के बाद मुझे इस चीज का भी डर लग रहा था कि जो मेरी नीचे साइंटिस्ट जो बैठी है उसका क्या हाल होगा। हम लोग तो माउंटेनियर लोग हैं, मेरी लड़कियां बहुत तकड़ी हैं, उसका मुझे एहसास था, लेकिन साइंटिस्ट का क्या हाल होगा, उस वो सब सोच के मुझे बड़ा डर लगता, डर रही थी मैं उस चीज से। लेकिन एज ए लीडर आपको वो शो भी नहीं करना रहता है, आपको अपने आपके अंदर जो डर है उसको भी आपको छुपा के रखना, दबा के रखना, या शेयर नहीं कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप भी खुद डर गए तो आप अपने टीम को कैसे लीड करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें रहती है जो हमको, हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं उस अल्टीट्यूड में।
अब जैसे जैसे मेरी लड़कियां आगे बढ़ी, इतना ज्यादा धुंध छा रहा था कि आपस में हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब ऐसे सिचुएशन समय ऐसा जो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हम तब ऐसे सिचुएशन में आप रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे जब एक दूसरे को देख नहीं पाए। ये समिट कैंप में है जब ये लोग पहुंचे, मतलब 2 बजे करीब ये लोग, 1:30-2 बजे ये लोग समिट कैंप में पहुंच गए थे, हम लोग कैंप 2 में पहुंच गए थे। तब मौसम बिल्कुल ठीक था, इन्होंने अच्छे से अपने टेंट लगाया, सब बातें भी, अपना रोप जो लेके फिक्स करना था वो सब बाहर निकाल के रखा, उसको कॉइल कॉइल करके रखा, उसको दूसरे दिन की सब तैयारी करके रखी। लेकिन 2:30-3 बजे से जो स्नोफॉल शुरू हुआ, उस स्नोफॉल ने हमारे सारे प्लान को चेंज कर दिया था। ये समिट कैंप का फोटो है, समिट कैंप में अभी हमारे बच्चियां पहुंची हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद, अभी आप भागीरथी टू पीक को देखते हैं, बैक साइड से हम लोग समिट करते हैं भागीरथी टू पीक, ये और जीपीएस हमारे पास में था क्योंकि उस अल्टीट्यूड में यदि आप फोटो नहीं खींच पाए तो आपको जीपीएस में उस किस हाइट तक आप पहुंचे उस हाइट का लेके आना पड़ता है, क्योंकि आईएमएफ में आने के बाद आपको प्रूफ देना पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पर मेरी बच्चियां पहुंची थी समिट कैंप। तो 3-4 घंटे में ही ये हाल हो गया था, टेंट का हाल देख सकते हैं आप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा स्नोफॉल हो गया था। और ये सब होने के बाद जब मैं नीचे अपने टेंट पे थी तो वहां पे भी स्नोफॉल हो रहा था, नीचे मेरे समिट के जो एबीसी में जो बैठी थी वहां पे भी इतना ज्यादा कि स्नोफॉल हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैं वॉकी टॉकी, वैसे तो हम लोग बड़े वॉकी टॉकी को बचा के रखते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि यूज करने के से वो उसका बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है, केवल समिट के दिन के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन अब मुझे ये था कि मेरी बच्चियां कैसी हैं मेरे ऊपर, तो मैं रात भर अपने पास वॉकी टॉकी रखी, एक टेंट में मेरे साथ में किचन स्टाफ, दूसरे टेंट में मेरी बाकी लड़कियां, रात भर बैठी रही और हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में मैं उनको हेलो हेलो करती थी कि कुछ तो आवाज आए, कुछ तो आवाज आए ऊपर से, लेकिन कोई भी कुछ भी आवाज नहीं। मैं ये सोच रही थी कि उनसे बात करूंगी, तो ऐसे मेरी रात टेंट झाड़ो लड़कियों बाहर निकलो, टेंट झाड़ो, आप टेंट को झाड़ते रहो, ये चिल्लाती रहती थी और लोग बाहर निकलते थे। बहुत ठंड ज्यादा थी, तो वो करने के बाद जब सुबह 5 बजे, तो ये टाइम फिक्स कर रखा था कि बात करनी है, तो 5 बजे जब मैंने वॉकी टॉकी फिर ऑन किया तो इन्होंने फिर आवाज दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वो 5 बजे से लेके 20 मिनट 15 मिनट मेरे लिए जिंदगी का इतना मुश्किल समय था कि मुझे लगा कि मेरी लड़कियां गई आज। तो वो 15-20 मिनट के बाद जब वॉकी टॉकी मेरे शेरपा ने उठाया, उसको मैंने बोला कि बच्चियां कैसी है, तो बोले मैडम लड़कियां ठीक है। मैं कहा वापस? बोले वापस? तो मैंने कहा हाँ वापस हो जाओ। मैंने कहा सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना और आप लोग वापस हो जाओ। वापस होने के लिए अब आप जस्ट कल्पना कीजिए, उस जहां पे आपका समिट नजदीक दिखता हो, जहां पे आपका एम पूरा होने वाला हो, उस जगह पे अगर आप ये बोल दिए कि वापस आना है, तो मैं भी अगर मेंबर होती तो मैं भी शायद में लीडर को कोसती कि कैसे लीडर है, माउंटेन में तो मौसम खराब होता ही रहता है और कैसे डिसीजन ले रहे हैं वापस लेने का, रहेंगे 1-2 दिन रहेंगे उसके बाद जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरा एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस ने शायद मुझे ये सब कहने के लिए मजबूर किया और मैंने कहा हमको वापस आ जाए। और हम लोग जहां थे वहां से हम लोग 6 बजे निकलना शुरू किया। इन लोगों को सबको कहा कुछ नहीं लाना, सब छोड़ दो, अपना रक्षक और स्लीपिंग बैग उठाओ और निकलो बाहर, निकलो वापसी के, वापस आ जाइए। ऐसे करते हुए हम लोग वापस निकले। वापस निकले तो मेरे साथ जो बी ग्रुप की लड़कियां, ये लोग ऊपर से निकले। रास्ते भर में पूरा स्नोफॉल, जहां से अगर कैंप 2 से अगर एबीसी नीचे कैंप 1 या एबीसी आप गए उस वहां आने के लिए अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, मौसम खराब नहीं रहता, तो मुश्किल से हमको 1.5 घंटा लगता था, मुश्किल से। लेकिन हम सुबह 6 बजे के निकले हुए, शाम दोपहर में 4 बजे हम लोग नीचे बेस में एबीसी पहुंचे। उसके बीच में हम लोग जैसे जैसे आगे चल रहे थे वैसे वैसे हमारे साथ एक झारखंड की लड़की थी शीला, वो मेरे पीछे थी, बाकी लोग हम एक एक करके रूट ओपन कर रहे थे कि मौसम बहुत घुटने तक बर्फ हो गए थे, रास्ते का आता पता नहीं चल रहा था क्योंकि पूरा व्हाइट आउट हो गया था। लेकिन मुझे इस चीज का तो डर नहीं था कि हम लोग कहीं गिरेंगे मरेंगे, क्योंकि वो वैली है पूरी और मैं पहले भी इस पीक में आई हूँ, तो मुझे ये डर तो नहीं था कि हम लोग गिरेंगे मरेंगे। लेकिन ये इतना डर जरूर था कि अगर इसमें से कोई लड़की चलेगी नहीं तो उसको उठाएगा कौन, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन पावर तो ऐसा कोई था नहीं हमारे पास कि कोई उसको कैरी करके लेके आए। धीरे 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 जैसे आगे बढ़ रहे थे, आगे आने के बाद करीब 12-12.5 बजे तक, सुबह 6 बजे के निकले हुए हम लोग, कॉफी चाय बिस्किट पिया, बिस्किट खाया, निकले वहां से। वहां आने के बाद जैसे जैसे आगे गए तो थोड़ा सा 12 बजे के बाद करीब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं शीला दिखी नहीं, मैं तो डर गई यार। हम लोग रस्सी से सब रोप हुए थे, मैंने रस्सी मिला के कहा कि ये पीछे वाली लड़की तो है नहीं, तो देखा तो पीछे धुंध में देखा तो बैठी हुई थी। अब
आप रास्ता नहीं बना सकते हैं उस हैवी स्नोफॉल में, आप जिसको जो रास्ता आपने बनाया उसी को चलना है, अगर नया रास्ता बनाएंगे तो आप वहीं तक जाएंगे। तो पीछे मैं थी तो मेरे को ही मुड़ के जाना था। मैं उसके पास बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंची और उसको बोला क्या हुआ, तो बोली मैडम मेरे पैर निकल गए। मैं तो डर गई, मैंने कहा अब तो बहुत मुश्किल है, या तो इसके साथ हमको इसको छोड़ देना पड़ेगा या फिर हमको इसके साथ सबको बैठे रहना पड़ेगा, अगर इसके अलावा कोई चारा ही था। उसके पैर को रख दिया, उसके पैर को खींचा, उसके थोड़ा सा उसको हौसला बढ़ाया। मैंने यही सोचा क्योंकि नीचे से सारी लड़कियां चिल्ला रही थी, बहुत सारी गालियां, जिसको जो बोलना था बोला, क्यों आए हैं माउंटेन में क्लाइंबिंग करने आते हैं, ताकत नहीं रहता, जो जो जिसको बोलना था, सब सब एक चीजें, जब इतनी थके रहते हैं तो गुस्सा तो आता ही है। तो मैंने यही सोचा कि ये अब तो इसको डांट से कोई काम चलने वाला, अब इसको जो काम करेगा तो प्यार ही इसको काम करेगा। मैंने उसको हक किया और हक करके मैंने बोला बेटा देख, चलना तो है यहाँ, रुकना तो नहीं है, उठ उठ, किसी तरह से उठ और चल, खड़ी हो जा। बहुत मुश्किल से उसको खड़ा किया, वो खड़ी हुई और उसको मैंने बोला चल देख, तू अब छीटी के चाल चल, लेकिन तू चलना अब चल। तो मुझे ये मालूम था अगर इसने अब ये दोबारा बैठ गई तो उठ नहीं सकती, और वो उठी और बहुत धीरे 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 करके करीब आधा पौन एक घंटे तक हम लोग चले। उसके बाद धुंध में हमको टेंट दिखाई दिया और उसने बोला मैडम अब मुझे छोड़ दीजिए और आप लोग निकल जाइए, आप नीचे पहुंचने के बाद मेरे लिए गर्म पानी। फिर हम लोग अपने टेंट में आए, उसके लिए गर्म पानी ऊपर भेजा, फिर उसको लेके आए। अब बच गए थे चार। अब मुझे डर ये था कि मेरी समिट टीम की टीम कहाँ चली गई, वॉकी टॉकी उठा नहीं रहे थे, इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था कि वो कैसे उठा के वॉकी टॉकी। फिर आधा पौन घंटे के बाद फिर हमारा जो है हमारे साथ किचन वाला, तो बोला मैडम कुछ हिलने के जैसे दिख रहा है, आ रहे हैं। तो वो लोग आए आए तो बड़ा एक सुकून मिला कि चलो सब लोग टीम एक साथ हो गए। लेकिन अब मुझे ये डर था कि कल का दिन हमारा कैसा रहेगा, क्योंकि साइंटिस्ट को नीचे उतारना था। तो साइंटिस्ट को यह कहा गया, हम लोग वहीं पे फिर खिचड़ी खाई रात को, स्नोफॉल इतना ज्यादा हुआ कि रात को किचन टेंट टूट गया। फिर उसमें हमारे डॉक्टर और किचन वाले थे, चोट तो नहीं लगती है क्योंकि इतना हैवी तो रहता नहीं है कुछ, वहां से वो लोग निकले। और फिर उसके बाद मैंने साइंटिस्ट को कहा कि आप 5 बजे निकल जाओ, और एक लड़के के साथ, एक जो उसके साथ जो हेल्प रखता था, मैं किचन बॉय था, उसके साथ उसको नीचे भेज दिया, कहा कि आप नंदनवन के लिए मूव करो, हम लोग आ रहे हैं। डर इस चीज का था कि जहां पे ऐसा पोजीशन है जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे तो अंदर तो हल्के से नदियां चल रही है, नाले बह रहे हैं, ऊपर से स्नोफॉल की वजह से वो हिडन हो गया। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी बात का था कि ऐसी जगह पे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई लड़की इसके अंदर गिर जाए और फिर उसका क्या हाल होगा। ऐसे हम लोग धीरे धीरे निकले। मैं तो लास्ट में लास्ट ग्रुप के साथ हम लोग, मैं शांति और प्याली हम लोग वेस्ट बंगाल से, हम तीनों लास्ट में निकले। प्याली आगे निकल गई थी लेकिन हम लोग उसको पकड़ लिया था। तो हम लोग निकले, निकलने के बाद जब ऐसे जगह पे आए तो ऐसे जगह पे मेरी आपको विश्वास नहीं हो, मेरी तीन लड़कियां जिसमें एक साइंटिस्ट है और दो लड़कियां और, पूरे पानी में उनको पीछे साइड से गर्दन के यहाँ से रख सक पकड़ के उनको बाहर खींचा और खड़ा कर दिया। इस सिचुएशन में जहाँ उस पानी में हाथ लगाओ तो ठंड का करंट लगता हो, उस जगह पे अगर लड़कियां डूब जाए तो आप जस्ट कल्पना कीजिए, कपड़े भी नहीं थे और वैसे ही गीले कपड़ों में उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग चले। और उसके बाद हम लोग जब नीचे कैंप साइट में पहुंचे, कैंप साइट में पहुंचने के बाद पूरा टेंट, वो पहले मैंने दिखाया था वही टेंट है, इस टेंट में 17 तारीख को हम 17 लोग इस टेंट के अंदर थे। अंदर पूरा पानी बह रहा नीचे से, हमारे बोरे राशन पानी का जो था वो लगा रखा था, कपड़े तो सब थे नहीं, मेरे कुछ कपड़े थे वो हमने एक दूसरे को दिया, और रात भर हम 17 लोग एक कंटेनमेंट टेंट में बैठे रहे, हमारे पास कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद जब साइंटिस्ट का हाल देखा तो मेरी जो मेरे साथ डिप्टी लीडर थी जो जी अनिता देवी, मणिपुर से है, पद्मश्री है, वो मेरे को कहने लगे कि दीदी साइंटिस्ट का हाल बहुत खराब है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तब गुस्सा आया, तब मैंने कहा ठीक है, सारी लड़कियां इतनी थकी हुई थी, ठंड से सबका बुरा हाल था, गैस को जलाने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमारे सिलेंडर तो थे लेकिन स्टोव हमारे ऊपर छूट गए थे। और यहाँ आने के बाद तो देखा तो उसकी हालत इतनी खराब है, तो मैंने फिर तो मैंने मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने साइंटिस्ट से कहा, बाकी लड़कियों से कहा, मैंने बोला अब कोई इसको हेल्प नहीं करेगा, कोई इसको हाथ रब कर रहा है, कोई उसको बोल रहा है दीदी क्या हुआ दीदी क्या हुआ, उनका कुछ नहीं करो, छोड़ो जो होगा वो हम देख लेंगे, क्योंकि आज सब लड़कियां थकी हुई हैं और हमने जब इनको वापस भेज दिया तो वापस क्या, तो उसको छोड़िए। कभी कभी प्यार और कभी कभी डांट से काम निकलता है। मुझे मुझे ये एहसास हुआ कि वो काम आया डांट उसका, वो ठीक हो गए, बोले अपने आपको संभालने लगे कि आपको कोई देखने वाला नहीं। इसी बीच में जब हम लोग ABC से नीचे आ रहे थे तो अमेरिकन हमारे ऊपर हंस रहे थे, देखो कहाँ जा रहे हैं, इनको रुक जाना चाहिए, अभी तो मौसम खुल जाएगा, अपना टेंट साफ करो, और हंस रहे। लेकिन 17 लोगों ने जब वो रूट मतलब एक रास्ते से जब चलते हैं तो वो बर्फ भी टूटने के बाद एक रास्ता बन जाता है, और बाद में शाम को वो लोग भी वापस नीचे आ गए थे नंदनवन में।
यहाँ आने के बाद हम रात भर बैठे रहे, हमारे पास खाने के लिए सूखी चीजें सब थी, बिस्किट थे, नमकीन थे, लेकिन हमारे पास गैस नहीं था। तो जब अमेरिकन ग्रुप आया तो उसका एक शेरपा था जो बहुत हेल्प करता था, बहुत ही हमारे साथ मिला हुआ था। तो उसने कहा, दीदी हमने आप लोगों को गैस दूंगा, लेकिन उसका स्टोव, सच्ची आप माने ना माने, मैं बोलूंगी कि बीरबल की खिचड़ी पकने वाली स्टोव थी। लेकिन स्टोव मिलने के बाद हमने उसमें पानी गर्म किया, पानी केवल गुनगुना हुआ, और उसके बाद सब लोगों को बोला दो दो गिलास कॉफी बनाओ, पियो, बिस्किट खाओ और चलो। बहुत अच्छा डिसीजन एक ये रहा कि हम लोग कहीं रुके नहीं, किसी भी जगह हम लोग रुके नहीं, और वहां से हम निकलते रहे और आगे बढ़ते रहे। यहाँ से भी हम लोग 17 तारीख को, 17 रात को, जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो एक बात ये हुई कि रात को बैठे नींद कहाँ से आनी, सब तो गीले हैं, कपड़े गीले हैं और सब बैठे हुए ठिठुर के, और बैठे हुए। तो रात को मैंने उन लड़कियों से बात की, बात किया तो मैंने उनसे यही कहा कि भी कल का दिन कैसा रहेगा। तो उसमें से शांति लड़की जो है सेकेंड की इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर, बहुत ही टफ लड़की, आज के जमाने, आज के हिसाब से अगर इंडिया में कोई पूछा जाए तो मैं बोलूंगी शांति के बराबर टफ लड़की कोई नहीं। लेकिन बैड लक, किस्मत नहीं है, बस वही है कि किस्मत लेके आई नहीं है। तो उसको मैंने पूछा, शांति कैसा रहेगा कल का दिन, वो बड़ी स्ट्रांग लड़की थी। तो वो मेरे को बोलती कि मैडम ये हिडन क्रेवासेस जो है, अगर ये हिडन होंगे और इसके अंदर कोई घुस गया तो हमारी जिंदगी, अगर ये खुले होंगे, हिडन नहीं होगा तो हमारी जिंदगी आगे निकलेगी, नहीं तो हमारी आज की रात आखिरी रात है। वो जो कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे इसी चीज का डर था कि यहाँ से हमको पार करना है, हमारे पास ट्रेनिंग है, पूरी ट्रेनिंग के साथ हम रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं। इन केस अगर कोई लड़की क्रेवास में चली गई तो फिर वही करना पड़ेगा, या तो उसके साथ बैठे रहो या उसको छोड़कर निकल। यहाँ से निकलने के बाद सुबह फिर हल्का हल्का स्टॉपवॉच शुरू हो गया, सुबह हम लोगों ने फिर कॉफी पी, कॉफी पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। धीरे 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 पूरा मोरेन के ऊपर से बर्फ पड़ी, आप जस्ट कल्पना कीजिए, माउंटेनियर लोग तो इस चीज से वो समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि मोरेन के ऊपर जब बर्फ पड़ी होगी तब चलना कितना मुश्किल रहता है, पैर अंदर जा रहा है, स्लिप हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही, यहाँ से भी सुबह 6 बजे के निकले हुए। और मैं ये भी कहूंगी आपको कि एबीसी से जब बेस कैंप आ रहे थे तो वैसे जो काफी लोगों ने भागीरथी के साइड में तो गए होंगे तो देखा होगा कि केवल अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो वहां पे भी हमको 1 से 1.5 घंटा लगता उतरने में। वहां पे हमारी वही साइंस थी कि सुबह 5 बजे के ये साइंटिस्ट निकली हुई, 3-4 बजे तक हम नीचे कैंप में पहुंचे। और यहाँ पे भी हम लोग सुबह निकल गए थे, चाय कॉफी पिया, निकले यहाँ से भी सारा सामान छोड़ दिया था, पर्सनल सामान। तो मैं कहूंगी कि मेरी लड़कियां बेचारी इतने उस फैमिली से लड़कियां थी, अपना सामान छोड़ छोड़ के हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद धीरे 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 करके हमको तब तक कुछ नहीं मालूम था कि केदारनाथ में क्या है। ये 18 तारीख की बात है कि 16 तारीख हम वहां से नीचे, 17 को हम लोग यहाँ एबीसी में थे, और यहाँ से 18 तारीख हम लोग यहाँ से नीचे नीचे आए। नीचे आने के बाद जब हम लोग गौमुख, और नीचे आने के बाद कभी कभी बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट मारते हैं, वो शॉर्टकट बड़ा मुश्किल हो जाता है माउंटेन में। तो इसलिए मैं बहुत, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब बोल भी रहे थे कि मैडम ये जगह बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, मोरन में चल चल के भी बहुत मुश्किल हो गया है और यहाँ से चलते हैं। मैं उनको कहा था मत करो, आप जो रास्ता है उसी रास्ता को फॉलो करो, वो नहीं माने। और वो उस जगह पे गए जहाँ पे नीचे उतरे, और लकी, कितना लकी थे कि उनके साथ में और लोग भी खड़े थे, वो यहाँ से निकले और बस खड़े हुए कि वो अंदर ही घुस रहे थे। तब तक हमारा शेरपा दौड़ के आया, वहीं पे था पास में शेरपा का, आप देख सकते हैं, वहां से आया, उन्होंने उनको अपना आइसक्स पकड़ा और उनको खींच के बाहर निकाला, और उसके बाद समझ में आया कि शॉर्टकट माउंटेन में नहीं चलता है। और यहाँ से हम लोग आगे निकले, जब गौमुख में आए तो ऐसे पहाड़ टूटे हुए, मलबा आया हुआ, भरण मरे मरे हुए, तब तो समझ में आ रहा था कि जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, धरती इतनी जोर से जो इतने मलबा आके गिरा हुआ, तो जरूर कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। जब हम लोग भोजवासा पहुंचे तब समझ में आया, यहाँ 80 लोग यात्री लोग फंसे हुए। और यहाँ आने के बाद हम तो इतने 1 महीने से वहां थे, 1 जून से हमारा एक्सपीडिशन शुरू हो गया था, ये 16, 17, 18 जून की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जब हम लोग यहाँ भुजवासा पहुंचे तो वहां के जो लेडीज लोग थे वो बोलने लगे, दीदी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, हमने कहा जो सामने पहाड़ दिख रहा था वहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला क्यों गए थे, कब गए थे, कुछ नहीं, उन्होंने केवल अपने बच्चों को बोला कल इन दीदी लोगों का हाथ पकड़ के रखना, यही हमको पार लगाएंगे। लिटरली हमारी लड़कियों ने वही काम किया, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के हम लोग वहां से लेके आए, कहाँ मां उनके मम्मी पापा, कहाँ हम लोग, कहाँ हमारे है लोग आगे निकल गए हैं और उनके बच्चे हमारे साथ ही आगे निकल रहे हैं। और हम लोग, मैं हमेशा इस चीज के लिए सोच रही कि हम कहीं रुकेंगे नहीं, अगर हम रुक गए तो हम कहीं ना कहीं खाना, चाहे होटल का खाएं चाहे आश्रम का खाएं, तो खाना तो हम खत्म करेंगे, तो हम ऐसा ना हो जाए कि हमारे वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो। इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे और आगे चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से आगे चले,
यहाँ से भी जैसे जैसे हम लोग आगे निकले तो एक जगह पे बहुत ही ये जगह मैं आपको हमेशा मैं हर स्लाइड्स में ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरी जगह ऐसी जगह थी जो अभी भी आप लोग आप जाएंगे तो ये जगह ऐसी ही है। यहाँ पे बहुत रिस्क है, पूरा रॉकी है, ऊपर से पानी गिरता रहता है, लेकिन दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते, इसलिए दुनिया चल रही है। तो मैं कहना चाहूंगी ये जो लड़का है ये एक लोकल लड़का था, रस्सी लाके बांधा हुआ था, रेस्क्यू कर रहा था यहाँ पे। मैं तो उसको बोली बेटा अगर तेरा पैर फिसलाना तो भागीरथी नदी में समाने में तेरे को 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसने अच्छा था कि वहां पे था। अगर वो नहीं होता तो हम तो निकल जाते हैं, हम तो माउंटेनियर लोग हैं, उतना तो हम लोग अपने आप को संभाल लेते, लेकिन उन 80 लोगों का क्या होता जो फंसे हुए। गंगोत्री आने के बाद वही अफरा तफरी मची हुई, लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वहां से गंगोत्री निकलने के बाद मेरी लड़कियां बोली मैडम अब चलो अब बस बस पकड़ो निकलो यहाँ से। लेकिन वहां आने के बाद पता चला कि 100 किलोमीटर और पैदल चलना है। हम चले, हम भी यहाँ भी नहीं रुके। कोई कह रहे थे कि अभी रेस्क्यू सिस्टम होगा, फ्लाइट विमान आएगा, ये सब बातें रहेंगी। धराली में आने के बाद ये सिचुएशन धराली का है, रोड हाइड पे आप देखिए गाड़ियां ऐसी फंसी हुई थी, और हम लोग पैदल निकले। यहाँ से आने के बाद हम लोग हरसिल पहुंचे, हरसिल में आने के बाद लोगों ने कहा आर्मी वाले आपको बहुत मदद करेंगे। आर्मी वालों के वहाँ गए लोग, यहाँ एक छोटे से जगह पे करीब 5,000 4,000 5,000 लोग ऐसे बैठे थे। हम भी गए एक स्कूल के बरामदे में बैठ गए। उसके बाद मैं आर्मी वालों के पास गई, उनसे बोला कि कुछ है क्या, बोले आप कौन है, हमने कहा मैम माउंटेनियर लोग, बोले आपके लिए तो कुछ भी नहीं। लेकिन लोगों ने बहुत मदद की, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को हेल्प करना, वो लोग अपने घर से राशन लेके लोगों को पूरी सब्जी रोटी बना के दे रहे थे। आर्मी वाले सुबह खिचड़ी देते थे, शाम को पूरी सब्जी देते थे, ऐसा उनका था। 11 बजे या 5 बजे हम लोग भी आए और ऐसे स्कूल के बरामदे में बैठ गए, ये मेरे सारी टीम के लोग बैठे हुए। लेकिन जब आर्मी वालों ने मना कर दिया तब कुछ तो करना था, क्योंकि लड़कियां थी मेरे साथ में। फिर जाके बाजार में गए तो वहां एक कमरा मिला, वहां भी हम लोग एक ही कमरे में 17 लोग रहे। ये जब स्लाइड में देखती हूँ तो बड़ा मुझे डर लगता है, बड़ा सोचने को मजबूर हो जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाथ में थाली लिए हुए ये गरीब घर के लोग, इसमें कितने ही लोग ऐसे थे जिनके घरों में लाखों रुपए पड़े थे, लेकिन परिस्थितियां कैसी आएंगी, सिचुएशन क्या आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। घर में पैसे पड़े हुए लेकिन समय ऐसा आ गया कि उनको भी लाइन में लग के थाली हाथ में लेके खाना मांगना पड़ रहा था। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, अपने बच्चों को हर चीज के लिए तैयार रखना पड़ेगा। हरसिल से निकलने के बाद हरसिल में भी हम लोग रुके नहीं, और मैंने अपने घर वालों को फोन किया तो घर वालों ने बोला बिल्कुल हरसिल से नीचे नहीं आना, चाहे तुमको 3 महीने लग जाए। क्योंकि हरसिल से करीब 15 किलोमीटर नीचे आने के बाद इस जगह पे जिस दिन हम लोग पहुंचे थे 3 लोग बह गए, रास्ता था ही नेशनल हाईवे का था, पता नहीं था। और मुझे कहा था नहीं बिल्कुल नीचे नहीं उतरना, लेकिन हम लोग फिर भी चले, वहां से निकले, हरसिल से पैदल निकले, यहाँ पहुंचे। यहाँ देखा तो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने एक रस्सी बांध दी थी ऊपर पहाड़ में। और आप इसमें इस फोटो स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि उनकी यात्रा कितनी मुश्किल भरी रहेगी। ऐसे लोग भी हमारे साथ में थे, हमारे आगे पीछे चल रहे थे, जो लोगों ने कभी गाड़ी के सिवाय जो लोग चले नहीं होंगे। लेकिन परिस्थितियां, फिर मैंने आपको बताती हूँ कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, उसके लिए समय नहीं लगता, उसके लिए कोई बोल के समय आता नहीं है, इसलिए हर चीज के लिए तैयार है। एक रस्सी पे 25 के 25 नीचे आप भागीरथी नदी को देख सकते हैं, जितनी कर्कश जितना आवाज कर्कश है उतनी ही ज्यादा रौद्र रूप देखने को मिलता था। इसलिए अपने टीम की लड़कियों को कहा था कि आप केवल उस रस्सी को इमरजेंसी के समय पकड़ो, अदरवाइज अगर रस्सी टूटी तो 25 लोगों को नदी में समाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इमरजेंसी के लिए रस्सी आपको पकड़ना है, और अदरवाइज रस्सी को बिल्कुल रस्सी को लेके आपको उसमें झूलो मत, ऐसे ऊपर जाओ तो उस ऊंचाई का एहसास देखने से डर लगता था, नीचे देखो तो गहराई से डर लगता था। इसलिए सबको कहा गया था केवल अपने कदमों को देखो, और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे निकले। आगे चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे दूसरों को सपोर्ट देते हुए, दूसरों को मदद करते हुए, किसी का बैग उठाते हुए, किसी को खोल के कि चलो चलो थोड़ा सा रह गया बस थोड़ा। आप देख सकते हैं कि कैसा ये रास्ता है, पीछे साइड से हम लोग पीछे से आने के बाद यहाँ से नीचे उतरना, और जैसे कि कहा जाता है माउंटेन में वापसी जो होता है बड़ा मुश्किल होता है, और यही रिस्की था, स्लिपरी था, चेहरे को अपना पहाड़ की तरफ रखो और धीरे 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 करके नीचे उतरो। ऐसे ही लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के किसी को नीचे उतारना, ये सब काम हमारी बच्चियां भी कर रही थी और हमारे साथ जो है वो भी कर रही थी। सामान तो हम सब छोड़ के आए थे, हर जगह हमारे टेंट लगा था, समिट कैंप में था, कैंप 2 में, ABC में, बेस कैंप में, सब कुछ। की नेशनल हाईवे का आप हाल देखिए कि रास्ता तो है ही नहीं ना, कहाँ से नेशनल हाईवे की बात हम कर सकते हैं। आगे आने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रास्ते में पूछते हुए कि भी कुछ है क्या आगे, कुछ है क्या आगे, कुछ नहीं था।
खाने पीने का भी हमारे पास इतना ज्यादा सामान कुछ था नहीं, रास्ते में कोई चाय के आराधन नहीं, कुछ नहीं। नीचे निकलने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े, रास्ता कहीं बहुत जगह तो रास्ते का आता पता ही नहीं था कि रास्ता कहाँ से, केवल डायरेक्शन देखना है और आगे निकलना है कि हाँ उस अल्टीट्यूड में जाना है, उस हाइट में जाना है, उस जगह जाना है और आप रास्ता बनाओ और चलो। ऐसे करते हुए हम लोग आगे निकले। आगे निकलने के बाद जैसे जैसे आगे निकल रहे थे वैसे वैसे हम लोग भी किसी का सामान उठाते हुए किसी को आगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज चलते थे तो ये कह दिया, हम बोल देते थे कि आपका सामान आगे पे रख देंगे आपको मिल जाएगा, लोग विश्वास भी करते थे, यात्री लोग जो चल रहे। ऐसे ही सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक का मैंने बैग उठाया, बैग पकड़ा, बाहर से हाथ ऐसे ही लगाया कि हाँ क्या हो सकता है इसके अंदर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे उस थैले के अंदर कुछ नहीं था, गंगा जल की बॉटल थी। और वो गंगा जल की बॉटल ने मुझे एहसास दिलाया कि सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी लोगों की आस्था जिंदा थी और वही आस्था आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी कि चलो बहुत कुछ है अभी जिंदगी में, आगे बढ़ो और निकलो। आप ये रास्ता भटवाड़ी के जो लोग आप लोग भी जानते होंगे तो भटवाड़ी जगह पे ये ऐसा रास्ता टूटा हुआ था, कहीं मुझे तो लग रहा था कि सालों लग जाएगा शायद ये रास्ता बनने में। और जो लोग ऊपर फंसे हुए थे, जो लोग हरसिल में गंगोत्री में थ्राली में फंसे हुए थे, उनका क्या हाल होगा ये सोच के ही डर लगा था। हम तो निकल गए थे और बहुत अच्छा काम किया कि हम लोग रुके नहीं थे। आगे आने के बाद बहुत नीचे आप नदी देख रहे हैं और उसी नदी के लग के ही नेशनल हाईवे है। हम कहाँ चढ़े ऊपर, कितना ऊपर चढ़े कि समझ में नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप रास्ता देखिए कैसा रास्ता है, घास पकड़ पकड़ के जाना, अगर थोड़ा स्लिप हुए तो कहाँ चले जाओगे उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। ऐसे ढंग से हम लोग निकले और ऐसे निकलने के बाद जब साथ में चल रहे थे तो हमारे साथ में डेड बॉडीज भी चल रही थी। बड़ा खराब लगा उस टाइम जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो कह रहे थे कि हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट है एक यूपी में, वहां से हम लोगों का 40 लोगों का ग्रुप है, बस दम उत्तरकाशी से निकले। आगे कहीं अभी लोगों का बड़ा ये रहता है कि कहीं एकांत में चलो वहां रहेंगे कोई होटल एकांत में, तो ऐसे लोगों ने एकांत में होटल ढूंढा और वहां वो रुके, रात को हार्ट अटैक आया, खत्म कहा। तो कहते मैडम कि हमने नहीं सोचा था कि हमारी यात्रा इतनी दुखद यात्रा रहेगी। यहाँ से जैसे उत्तरकाशी पहुंचे, उत्तरकाशी में अफरा तफरी मची हुई, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, भागो जाओ भूकंप आने, अब भूकंप आने वाला, लोगों का ये डर था कि अब भूकंप आएगा। वहां से निकलने के बाद हम लोग ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचने के बाद ये हमारा दुख दर्द जो हमने कष्ट से वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। सब खत्म इसलिए हुआ था यहाँ आने के बाद जो लोगों का दुख दर्द देखा, लोग अपनों को ढूंढ रहे थे और अपने फोटो दिखा के कहते थे मैडम कहीं देखा क्या, वो सिचुएशन वो समय याद करती हूँ तो अभी भी डर लगता है कि लोग कैसे अपनों को ढूंढे थे कि कहीं से मिल जाए, कोई बोल दे हाँ देखा है वहां पे है, लेकिन क्या कोई किसी से झूठ कैसे बोले। तो ये सब होने के बाद ये मेरा एक्सपीडिशन मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों को ये बताया। मेरे पास बहुत और भी बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स हैं, सामने बैठेंगे तो बहुत अच्छे से बात हो सकती है, वेबिनार में कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की। और वहां से हम लोग निकले, निकलने के बाद हम लोग जब IMF मेरा एक्सपीडिशन तो पूरा हो गया था इस टाइम, और मैं जब वापस आई तो मेरा सारा सामान वहां पड़ा हुआ था और मुझे एक जिम्मेवारी मुझे दिया था कि गवर्नमेंट का एक्सपीडिशन था, तो मुझे ये मेरे ध्यान में तो ये चीजें थी कि लाखों का सामान मेरा वहां पड़ा हुआ है, तो कोशिश करती रहती थी कि कैसे वो सामान लाया जाए, कैसे वो सामान लाया जाए। करीब 2-3 अक्टूबर को मैं अपने शेरपा लोगों के टच में थी, शेरपा लोगों को बोला कि आप कुछ तो वहां से सामान लेके आएंगे, वो सामान वो लोग गंगोत्री लेके आए, मैं गंगोत्री गई, गंगोत्री से मैं अकेली गंगोत्री गई, वहां से मैंने रात को एक टैक्सी करके उसमें सामान पूरा लोड किया, बड़ी गाड़ी थी टैक्सी नहीं थी, और अब सामान लोड करके मैं उत्तरकाशी आई, उत्तरकाशी से देहरादून और दिल्ली आई। 8 अक्टूबर को जब IMF की मीटिंग थी उस दिन उनको सारा सामान वापस किया, और आपको विश्वास हो ना हो लेकिन ये हकीकत है कि टेंट केवल खराब हुए थे, क्योंकि इतने अक्टूबर से सॉरी जून से लेके अक्टूबर के महीने तक वो टेंट थोड़ा खराब हुए थे, काफी खराब हुए थे, लेकिन सामान केवल एक जुमार, एक आइसेक्स, एक कैराबिनर, ये 3 आइटम के अलावा सारा सामान मिला। हाँ मैट्रेस का एक बंडल जो बड़ा सा बंडल था, वो जब मैं गंगोत्री से वापस आ रही थी, क्योंकि मैं रात को वापस आई गंगोत्री से, करीब 10-11 बजे करीब मैं गंगोत्री उत्तरकाशी पहुंची, तब वो रात को वो ठीक से बंधा नहीं था, वो छत से कहीं उड़ गया था, तो वो बंडल जाने के अलावा पूरा सामान IMF को दिया। और उस दिन मैंने, जबकि मुझे सारे लोग कह रहे थे कि अगर आप इतना भी लिख देंगे कि डिजास्टर में सब कुछ चला गया तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे मालूम था कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन आप ये एक मेरी जिम्मेवारी थी कि अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते मैंने सारा सामान वापस लाया।
सारा सामान आईएमएफ को दिया। उसके बाद 8 अक्टूबर को मैंने उनसे कहा कि मेरा एक्सपीडिशन अभी पूरा हुआ है। और सभी लोग कह रहे थे आज एक्सपीडिशन कैसे पूरा हुआ, तो ये ऐसा एक्सपीडिशन रहा। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारा एम तो था उस अल्टीट्यूड में जाके झंडा गाड़ के आना और समिट होना। तो मैंने तो वैसे आईएमएफ के बड़े बड़े अच्छे एक्सपीडिशन किए हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इस एक्सपीडिशन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ हम लोग सीख के आए। जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा, दूसरों का देखा, अपना देखा, सिचुएशन को बदलते हुए देखा, सिचुएशन को फेस कैसे करते हैं वो सीखा, एक लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप किया, टीम वर्क में रह के कैसे काम कर सकते हैं वो जाना, कैसे कम चीजों में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं वो सीखा। तो बहुत सारी चीजें सीखी इस एक्सपीडिशन के कारण। तो बाकी तो ठीक है, इतना मेरा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। और थैंक यू। मैं सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसे पुट कर सकते हैं। और मैडम, मैडम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अभी मेरी आवाज सुनाई, क्योंकि यहाँ नेट का कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन बाकी सारा चीज ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैडम। कोई स्पेसिफिक सवाल? मैम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपका ये म्यूट है मैम मेरे ख्याल से। मैडम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है आपको? क्योंकि आपका स्पीकर म्यूट म्यूट हुआ हुआ है, इसलिए शायद अभी आपका आवाज नहीं आ रहा। आप हाँ, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ऐसा कोई स्पेसिफिक, हाँ जी मैम अब आवाज आपकी आ रही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं आया, लेकिन आपका ये टोटल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा। और मैं जब ये अपना लाइफ स्टार्ट होने वाला था तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था, और ये सारा सुनने के बाद में इससे बेटर एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता है। और बीइंग अ माउंटेनियर, हम लोग जब माउंटेन पे जाते हैं तो एक पीक के ऊपर में समिट करना तो हमारा मकसद होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद होता है कि हम सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि माउंटेन वहीं पे रहेगा और हमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि हम वापस उस ऑलमाइटी के पास में जा सके। पहाड़ हमारे पास हमेशा है, वो हमेशा हमें चैलेंज करते रहेगा, हम सिर्फ उनके चैलेंज को, मैं चैलेंज नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि वो हमें मौका देते हैं अपने पास जाने के लिए। और जब तक प्रकृति नहीं चाहती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक उनका बड़कपन है कि वो हमें मौका देते हैं अपने ऊपर आने के लिए। और हम लोग भी केदारनाथ इसके पहले गए थे, आपके ये ट्रेजेडी होने के बाद में, तो अभी बहुत सारा चीज़ बन चुका है। लेकिन अभी जो आपके वीडियो में हम लोगों ने जो देखा, वो देख के रियली लगता है कि वो कितना मतलब हृदय विदारक होगा, इतने मतलब देख के ही डर लग रहा था आपके ये सारा प्रेजेंटेशन। और वैसे सिचुएशन से गुजरना रियली एक बहुत ही अचीवमेंट का काम होता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आज आपने इतना समय दिया और हमारे एक मतलब आज का ये सेशन, मैं बोलूँगा कि हम लोग पिछले 2 महीने से ये सेशन कर रहे थे, मेरे लिए ये सबसे फेवरेट सेशन है। इतना अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपने आपने किया, और ये इतने अच्छे अच्छे स्लाइड आपने दिखाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट फेसबुक लाइव है। थैंक यू वेरी मच, फ्यूचर में भी आपके साथ में हमारा कोलेबोरेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं बाकी ऑडियंस को बता दूँ कि हमारा अगला लाइव जो है बुधवार को है, माउंट रुपिन पास के लिए है, तो 8 बजे से है। आप 8 बजे वेडनेसडे को ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर अभिजीत बासु। और उसके बाद वाला अगला लाइव हमारा सैटरडे को है, 4th को, बाय दीपाली सिन्हा जी। तो 8 तारीख को मुझे आपका इंतजार रहेगा, आप आइए ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।